राजधानी पटना से दिल्ली, वाराणसी, कोलकाता और पड़ोसी देश नेपाल के काठमांडू तक का सफर अब आसान हो गया है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम जल्द ही इन जगहों के लिए बस सेवा शुरू करने जा रहा है। बस सेवा शुरू होने के बाद रेल और हवाई यात्रा के साथ ही सड़क सेवा का साधन भी बिहार वासियों को मिल जाएगा। आपको मालूम ही है कि त्योहारों का समय आने वाला है, ऐसे में कंफर्म टिकटों के लिए लंबी वेटिंग और ट्रेनों में लोगों की ठसाठस भीड़ रहती है। इसे लेकर ही बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने लोगों को राहत देने का फैसला किया है। निगम ने यह निर्णय लोगों की मांग पर लिया है। इसे सप्ताह में 2 दिन चलाने की योजना है। इसका किराया अन्य बसों से कम रखने पर बातचीत चल रही है। यात्रियों को टिकट के लिए निगम के आर ब्लॉक स्थित ऑफिस नहीं आना पड़ेगा, बल्कि बीएसआरटीसी की वेबसाइट पर जाकर ही ऑनलाइन एडवांस टिकट कटा सकते हैं। आपको बता दें कि पर्यटन निगम की डीलक्स बसों में एक साथ करीब 100 यात्री सफर कर सकेंगे। इनमें सभी सीटें आरामदायक होंगी। यात्रियों को सफर के दौरान सड़क पर छोटे छोटे गड्ढे का अनुभव नहीं होगा। सफर के दौरान यात्रियों को नाश्ता देने की भी योजना है। बस में सफर करने वाले यात्रियों को गर्मी के दिनों में ठंडा और ठंड के दिनों में गर्म पानी पीने के लिए मिलेगा। साथ ही गर्मी में एसी और ठंड में ब्लोवर की सुविधा भी दी जाएगी। बस का परिचालन कब से शुरू होगा अभी यह तय नहीं हुआ है। निगम के अधिकारियों का कहना है कि बस चालू होने से 10 दिन पहले नोटिस निकाल दिया जाएगा। लाइव सिटीज के लिए जय भास्कर की रिपोर्ट।